तो गाइस फाइनली यहाँ पे iOS 17 हो चुका है रिलीज। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इसके कुछ टॉप 10 हाईलाइट फीचर्स के बारे में, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो हाईलाइट फीचर्स है वो है कंटेंट पोस्टर को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कंटेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे चले जाना है। यहाँ पे आपको माई कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको माई कार्ड पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो कि मेरे केस में मैंने यहाँ पे अपना कार्ड इस तरीके से बनाया हुआ है। अब ये माई कार्ड होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, पहले एडिट पे क्लिक करो, अगेन आपको एडिट पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका एक पोस्टर बनता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके फ्रेंड के पास भी आईफोन है और उसके आईफोन में भी सेम सॉफ्टवेयर यानी iOS 17 है, तो जब भी आप उसको फोन करोगे तो जो आपने यहाँ पे पोस्टर को क्रिएट किया हुआ है वो एग्जैक्टली पोस्टर उसके फोन में चले जाए, उसको भी सेम टू सेम यहाँ पे पोस्टर आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो पोस्टर है सामने को कैसे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फोटोज का भी ऑप्शन है, जो कि अपने मैनुअली फोटो को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेमोजी का ऑप्शन है, यहाँ पे मोनोग्राफ का भी ऑप्शन है। सो मेरे केस में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरा मेमोजी, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है पर्सनली। मैं मेमोजी पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप मेमोजी पे कोई भी मेमोजी पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप स्किन टोन को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारे स्टाइल आ चुके हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप चूज करोगे सामने को वही दिखाई देगा। तो मेरे केस में यहाँ पे एक चूज कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर का भी इफेक्ट है, तो कलर को भी आप यहाँ पे इजिली चेंज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कलर व्हील का भी ऑप्शन मिला है, जो कलर व्हील के थ्रू आप यहाँ पे मल्टीपल कलर का ऑप्शन को चूज कर पाओगे, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट दिखने वाला है। सो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए और इसे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेप्थ इफेक्ट का, तो यहाँ पे मैं डेप्थ इफेक्ट ऑफ करता हूँ, तो देख सकते हो कि जो लेटर जो सचिन लिखा हुआ है थोड़ा आगे आ चुका है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो मेरे जस्ट हेयर के पीछे जा चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पोस्टर को क्रिएट कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि जैसा आप यहाँ पे बनाओगे, अगर आपने किसी को फोन किया उसके फोन में सेम टू सेम सॉफ्टवेयर और आईफोन है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यह शो होगा। तो बहुत ही सोच समझ के से क्रिएट करना। तो क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, सचिन गुप्ता देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके फोन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रीव्यू दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको पहले से दिख जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से क्रॉप का ऑप्शन आएगा, तो अपने हिसाब से आप इसे क्रॉप भी कर सकते हो, कितना आपको दिखाना कितना नहीं, तो इतना काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो चूज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे चूज कर दूंगा, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ देख सकते हो पर्पल, जो कि बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे ग्रीन भी आ रहा है, ये ब्लैक भी आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से मुझे ये ग्रीन काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं ग्रीन पे करके यहाँ पे डन पे कर देता हूँ, एट यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा पोस्टर था कंटेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जो अगला फीचर्स की बात करने वाला हूँ वो है नेम ड्रॉप का लेके। तो मेरे पास यहाँ पे दो आईफोन नहीं है, बट यहाँ पे नेम ड्रॉप पे क्या होता है कि अगर हम किसी को कॉन्टेंट शेयर करते हैं अपना, तो हम पहले उसे शेयर करते थे, फिर बोलते थे कि भाई तो ये नाम लिख ले, बट अब iOS 17 में ऐसा नहीं है। आपके फ्रेंड के पास आईफोन है, उसके आईफोन में सेम सॉफ्टवेयर है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टैप करके शेयरिंग कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद आपका जो कॉन्टेक्ट है उनके फोन में और उनका जो कॉन्टेक्ट है आपके फोन में आ जाएगा। एंड जो अगला फीचर्स वो है स्टैंड बाय मोड का। तो स्टैंड बाय मोड पे होता है क्या है कि जब भी अपने फोन को आप कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मोड पे रखोगे, तो अब यहाँ पे कुछ आप ब्यूटीफुल इफेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि एक क्लॉक है और इसके बगल में आपको कैलेंडर दिख जाएगा, तो इस तरीके से आप इसे चेंज भी कर पाओगे। और इसको करने के लिए अगर बात करें तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक स्टैंड की जरूरत पड़ेगी या फिर एक मैगसेफ की जरूरत पड़ेगी, बट मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मली भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि आप अपने आईफोन को चार्जिंग से कनेक्ट कीजिए और इसे कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में रखिए। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो ये स्टैंड बाय मोड का जो इफेक्ट है, जिसका सॉफ्टवेयर है, वो रन करना शुरू कर देगा। इसके लिए आपको कोई भी स्टैंड की जरूरत नहीं है, कोई भी मैगसेफ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसको करने के लिए। एंड जो ये फीचर्स आने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्क्रीन डिस्टेंस को लेकर। तो फॉर एग्जाम्पल घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि सारा दिन फोन के साथ में लगे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि फोन की डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, जो कि इनकी आंखों के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। उसका आपको चले जाना है सेटिंग पे। यहाँ पे आपको दिखाएगा ऑप्शन स्क्रीन टाइम, इस पर क्लिक कर दीजिए और देख सकते हो कि नया टॉगल आ चुका है, जो कि ये स्क्रीन डिस्टेंस का। आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से स्क्रीन डिस्टेंस को ऑन कर दीजिए। तो ये पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड एंटर करता हूँ और यहाँ पे आप जो आपका स्क्रीन डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आपका फोन रहेगा तो एज अ पॉजिटिव, बट यहाँ अगर आप जैसे ही फोन को पास लाओगे तो यहाँ पॉप अप आएगा, अलर्ट आ जाएगा बार बार कि भाई आपका जो डिस्टेंस है फोन का और आपके आईज के बीच का वो बहुत नजदीक है, थोड़ा फोन को दूर रखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पॉप अप आएगा। और जो फीचर है वो है कस्टम स्टिकर को लेकर। यहाँ पे आप अपने कस्टम स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो। कस्टम स्टिकर होता है क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख सकते हो कि स्टिकर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप स्टिकर का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो न्यू स्टिकर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके फोन का जो फोटोज है सारे शो होने लग जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके यहाँ पे। तो स्टिकर के तौर पर यहाँ पे मैंने अपने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, जो आप भी अपने फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे एड स्टिकर पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके स्टिकर था यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आपको एड इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो एड इफेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा कि आउटलाइन का इफेक्ट है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बॉर्डर व्हाइट बॉर्डर हो जाएगा। उसी के बाद यहाँ पे कॉमिक का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, जो कि थोड़ा कार्टून टाइप में दिखाई देगा। फिर पफी कुछ इस तरीके से,
और यहाँ पे साइनी वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे दिखने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि किसी को भेजोगे शेयर करोगे स्टिकर तो उन्हें कुछ इस तरीके से इफेक्ट जाने वाला है, बट एक कंडीशन है कि उनके पास भी आपने सही समझा आईफोन होना चाहिए। और जो अगला फीचर है वो है सफारी के अंदर, अपनी सफारी टैब में आप मल्टीपल प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको चले जाना है सेटिंग पे, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सफारी का ऑप्शन दिखाई देगा, सफारी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यू प्रोफाइल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अब यहाँ पे अपने आप एजुकेशन टाइप, जैसे कि आप चाहते हो कि आप ऑफिस में वर्क करते हो, तो जैसे कि आप अगर बिजनेस की वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पे बिजनेस की वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मनी लिखता हूँ मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल को मैंने लिख दिया है जो कि एजुकेशन पर्पज होता है। तो यहाँ पे मैं सिंबल भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे कलर भी ऐड कर दूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ सफारी के अंदर, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे बुक मार्क, तो देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल का मेरा एक अलग सा प्रोफाइल बन के आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो चीज़ मैं सर्च किया हूँ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। तो पहले ये पॉसिबल नहीं था, बट iOS 17 में आपको चीज देखने को मिल जाएगा। ये जो फीचर बताने वाला बहुत तगड़ा फीचर है जो चेक इन को लेके है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कस्टम पे चले जाना जो कि आई मैसेज है, तो यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिखाई देगा आपको इसे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मोर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मोर का ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन है चेक इन का, यहाँ पे चेक इन का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। अब ये चीज है क्या मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये कंटिन्यू में वापस क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है चूज द डेटा यू डिड लाइक टू शेयर इफ यू डोंट अराइव। अगर आप चाहते हो कि अपने फोन का आप नेटवर्क किस में शेयर करो, लाइक आपके फोन का सिग्नल या फिर आपके फोन का बैटरी परसेंटेज या फिर आपके डेटा, तो अब आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन पूछेगा लिमिटेड या फिर फुल का ऑप्शन, तो जैसा आपको सुटेबल लगता है, जैसे आप सामने वाला पर्सन आप जिस पर ट्रस्ट करते हो उस तरीके से यहाँ पे आप चीजें को कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि उनको पता चलेगा कि आप किस लोकेशन पे हो और आपके फोन में बैटरी कितनी परसेंटेज बची हुई है और आप उनके साथ में कौन सा डेटा शेयर करना चाहते हो, अब आप इसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो चेकिंग का ऑप्शन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस फीचर का इस्तेमाल करने के बाद। एंड फाइनली यहाँ पे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज और फाइनली मेरा सबसे फेवरेट, आई एम श्योर आप लोग का सबसे ज्यादा फेवरेट होगा, वो है वॉलपेपर को लेके, क्योंकि हर बार जब नया अपडेट आता है बड़ा अपडेट तो उसमें एक चीज के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ, वो है वॉलपेपर। इस बार भी हमें iOS 17 में बहुत ज्यादा वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ वॉलपेपर के सेक्शन पे, यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ और मैं यहाँ पे चले जाता हूँ कुछ प्लस वाला आइकन पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो इस बार आपको एस्ट्रोनॉमी में सारे के सारे प्लैनेट का ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक मैं पहले अर्थ पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे मैं स्टार्ट से करता हूँ तो देख सकते हो ये है मर्क्यूरी एंड ये आपको मिल जाएगा वीनस, फिर ये अपना अर्थ जो पहले था, फिर ये अर्थ डिटेल, फिर ये मून, फिर ये मून डिटेल्स एंड फाइनली ये है मार्स जो कि अब नया मिल चुका है हमें iOS 17 के अंदर। और फाइनली ये है जुपिटर एंड ये सैटर्न और ये है यूरेनस, ये है नेपच्यून और हमारा सोलर सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से हमें वॉलपेपर मिला है iOS 17 के अंदर। इसके अलावा आपको और ज्यादा वॉलपेपर मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे आपके चले जाता हूँ स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको कैलाइडोस्कोप का वॉलपेपर मिलता है जो कि काफी ज्यादा एक इफेक्ट क्रिएट करता है आपके माइंड में, इल्यूजन को क्रिएट करता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगता है देखने में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्विच को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखते हो कि इसके कलर को भी चेंज कर पाओगे। तो मैं ये जो ये आपको फॉर एग्जांपल इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिला है जो कि डार्क मोड और लाइट मोड का है। इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लाइट डार्क ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, तो ऑटोमेटिक पे रखिए क्योंकि आपके डिवाइस के हिसाब से ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ सेट एज वॉलपेपर पेयर इस पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप इसके इफेक्ट को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे अनलॉक करता हूँ तो जैसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। तो मेरे को तो ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं आया, बट आपको अगर अच्छा लगता है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन तो आप कर सकते हो, कुछ ज़्यादा इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन आएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे तो अच्छा नहीं लगा लिटरली, बट आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। फाइनली बस ये थे iOS 17 कुछ हाईलाइट फीचर्स। आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ऐसे बहुत सारे इसमें वीडियोज़ बनने वाले हैं इस बार iOS 17 में। सो सारे के सारे वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।